कैल्शियम के लिए अनाजों में सिंघाड़ा, चौलाई, जो ये रिच प्रोटीन वाले हैं, जो चौलाई, सिंघाड़ा, इनको आटे में मिला के खा लो थोड़ा थोड़ा। वैसे आश्रम का ना जो मल्टीग्रेन आटा है ना, नवरत्न आटा, वो सबसे अच्छा, उसको खा लिया, रोटी तो खानी है तो एक रोटी खा ली, बस उससे हो गया काम। अब कई प्रकार के पोषक तत्वों की जो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी, विटामिन बी 12 और कई प्रकार के ओमेगा 3, इसके लिए सबसे अच्छा है अलसी के बीज। वैसे अभी हम ने इसकी पैकिंग उपलब्ध नहीं कराई है, अलग अलग लोग उपलब्ध कराते हैं लेकिन बहुत महंगी भेजते हैं, लूट मची हुई है इसमें भी। तो ये अलसी, फ्लैक्स सीड बोलते हैं। अब इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर आप पढ़ोगे तो इसमें इतनी जानकारी भरी पड़ी, पूरी दुनिया में बहुत लोगों ने रिसर्च किया इसके ऊपर। तो फ्लैक्स सीड जो है, इसको थोड़ा सा भून करके भी ले सकते हैं, थोड़ा सा नमक में भून लो तो ऐसे ही खाओ ना, तो खाने में इतना टेस्टी लगता है, मुंह में लिस लिसा सा हो जाता है, इतना टेस्टी लगता है, बाद में आपको बंद करना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा थोड़ा गर्म होता है, जैसे मेरी पित्त प्रकृति है, यदि मैं इसकी 3-4 चम्मच खा लूं तो मेरी तो आंखें लाल हो जाती हैं। तो इसको थोड़ी मात्रा में खाया करो। तो इसको दही के साथ खा सकते हो, छाछ के साथ खा सकते हो, पानी में घोल के खा सकते हो, पाउडर ऐसे फांका मार के खा सकते हो, चबा के खा सकते हो। फ्लैक्स सीड बहुत अच्छा है, ये तो आप अपने रूटीन में भी शामिल कर सकते हो। जैसे आप मेथी आदि अंकुरित और सब चीजें खाते हो ना, तो अलसी को तो आप डेली रूटीन में ले सकते हो। जितने भी अंकुरित है ना, ये आपके विटामिन डी और बी 12 की कमी को कम करते हैं, अंकुरित स्प्राउट्स, ये खाया करो। प्रोटीन के लिए तो आजकल बहुत प्रोटीन और वेव प्रोटीन, और फिर जो जिम में जाते हैं वो मसल्स बनाने के लिए, बाकी लोग जो है ऐसी कमजोरी के लिए प्रोटीन का कई तरह से सेवन करते हैं। नेचुरल प्रोटीन सबसे अच्छा होता है दालों में, लोग इसके लिए अंडे से लेकर के और पता नहीं क्या क्या फंडे, ये भगवान लोगों को इतना बहकाया जा रहा है। अभी तो पूरे देश में ना मुहिम चल रही है, बोलो देश में कुपोषण के शिकार हैं लोग, तो बोले सबको अंडे खिलाओ, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को जबरदस्ती अंडा खिला देते, ये बहुत तरह का कार्यक्रम चल रहा है। तो देखो शाकाहार का तो हम आग्रह रखते हैं, उसमें बच्चों को आप दालें खिलाइए, दालों में सबसे अच्छा हेल्दी प्रोटीन होता है, फिर फूड प्रोडक्ट जितने भी दूध दही इन सब के अंदर, ये जो वेव प्रोटीन होता है, वैसे ये अभी जो पनीर निकालने के बाद जो पानी बच जाता है उससे निकालते हैं, तो ये थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। दालों में सबसे अच्छी दाल मूंग की, छिलके वाली, धुली नहीं। और जो बलवान हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो उड़द की खाएं, उड़द की दाल सबसे ताकतवर होती है और मूंग की दाल सबसे स्वस्थ होती है। बाकी थोड़ी थोड़ी दाल, मिक्स दाल खा लेनी चाहिए। जैसे अकेले आप राजमा खाओ तो हमारा हाजमा इतना बढ़िया है, फिर भी राजमा गड़बड़ कर देता है खाते ही, राजमा खाने से गैस बनती है, वो आपको अभ्यास नहीं होगा। फिर जिनको मूंग की दाल से गैस बनती हो, पतली दाल खाया करें, जैसे योगग्राम में देते हैं योगग्राम में तो डॉक्टर साहब हमारे वो मूंग की दाल का सूप बना देते हैं, तो मूंग की दाल का सूप पियो, गैस बन जाए तो बता दियो, थोड़ा उसमें जीरा और थोड़ा ये अजवाइन है ना, वो डाल दिया करें जिनको गैस बनती है। तो ये मैंने प्रोटीन के लिए बताया, आप मूंग का अंकुरित भी खाएं, मूंग की दाल खाएं, मूंग का सूप पिएं,
बाकी दालें थोड़ी थोड़ी मात्रा मिक्स दाल लिया करें। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, सब दालें सबको अनुकूल नहीं पड़ती। जैसे हमने भी बचपन से सब दालें नहीं खाई, हमने बचपन से दो ही दाल खाई थी, हमको दालों के नाम पर दो ही दालों का पता था, एक चना और दूसरा मूंग ज्यादातर, बाकी कई तरह की दालें। अब आजकल जो है इतना सबसे ज्यादा महंगी दाल अरहर तुवेर दाल। अब ये क्या है, ये मार्केटिंग का फंडा है पूरा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस दाल में घास होता है, जैसे तुवेर की दाल ऐसे ही चने की दाल, देखने में भी एक जैसी और अच्छी इतनी लगती है, लौकी के अंदर चने की दाल डाल के खाओ इतनी स्वादिष्ट लगती है, गुण भी पूरे मिलते हैं। तो मैं तो एक बात कहता हूं, मिक्स दाल सबसे अच्छी। बाकी हेल्थ वाइज जो बीमार लोग हैं उनके लिए मूंग की दाल सबसे अच्छी। तो मिक्स दाल और मूंग दाल, इसको आप प्रायोरिटी दें। बाकी तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी खा लिया, इतना भी ज्यादा नाजुक नहीं होना चाहिए आदमी को कि थोड़ा कुछ खाते ही पूरी उथल पुथल हो जाए। हाँ चलिए, अब आपको कुछ बड़ी बीमारियों की घरेलू औषधि बताते हैं। कुछ बड़ी बीमारियां, सबसे पहले अनुलोम विलोम कर लो, अब बहुत देर होगी कपाल भाती है, तो किसी किसी ने तो पूरा ही पौना घंटा खींच दिया, आपका अभ्यास हो गया है ना। देखो पहले दिन पेट दुख रहे थे, कमर दुख रही थी, इधर से दुख रहा था, इतना व्यायाम कराया, अभी कर लो अनुलोम विलोम, कपाल भाती के बाद अनुलोम विलोम करो। अब लगातार अनुलोम विलोम करने की आदत डालिए, जैसे कपाल भाती की आपकी पड़ गई। अब कुछ लाइफस्टाइल डिजीज या बड़ी बीमारियों का घरेलू उपचार। तो बड़ी बीमारियों का घरेलू उपचार, इसमें सबसे बड़ी बीमारी आजकल होगी मोटापा। अब इसका पहले पूरा घरेलू उपचार सुन लीजिए, लौकी का जूस, गोमूत्र और अश्वगंधा के पत्ते, तीन तीन सुबह दोपहर शाम खाओ। और जो बहुत जल्दी पतले होना चाहते हैं और सुंदर होना चाहते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं, आजकल ये एक तो पेट छोटा कराने वाली सर्जरी करते हैं, तो बावड़ो लाखों रुपए क्यों देते हैं और उसमें लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है, पेट छोटा कर देते हैं। कौन सी सर्जरी बोलते हैं, बैरियटिक सर्जरी। फिर एक लाइपोसेक्शन होता है, खींचते हैं फैट को, क्यों इन चक्करों में पड़ते हो। सुबह से शाम तक लौकी का जूस खाओ, लौकी की सब्जी खाओ, लौकी का सूप पियो, और थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो मूंग का ले लो। आप एक महीने तक लौकी कल्प कर लो और अश्वगंधा के पत्ते खा लो साथ में, एक महीने में आपका 25 से 30 किलो वजन कम हो जाएगा और दो महीने में 40-50 किलो वजन कम हो जाएगा। सो ले मोटी मोटी बहनों, फिर बाबा मिलेंगे कहां। ए मैया, मोटी मैया सुन ले, तेरा आज से सारा खाना बंद, खाली लौकी का जूस पिएगी, लौकी का सूप पिएगी, लौकी की सब्जी खाएगी, और चेंज करना हो तो मूंग छिलके वाली, बस मूंग का सूप या अंकुरित मूंग थोड़ा बहुत ले लिया बस। और बहुत ही ज्यादा किसी ना खाने का ऐसा पागलपन सा हो, जैसे कहते ना तलब सी उठती है, तो फिर एक अपनी खिचड़ी आती है आश्रम की, चार तरह के अनाजों की, पुष्टाहार दलिया बोलते हैं ना उसमें, मूंग चावल बाजरा, उसके अंदर तिल और वो थोड़ा अजवाइन तो थोड़ा डालते हैं, तो 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम बाजरा, चार अनाज होते हैं उसके अंदर, ऐसे हम बनाते हैं, यही रेशियो होता है। वो खिचड़ी खाली बस एक आधी कटोरी बस, और ये योगाभ्यास जो मैंने बताया उसको करना, एक महीने में आपका 25 से 30 किलो वजन कम और दो महीने में आपका पूरा वेट बैलेंस। फिर एक बार कंट्रोल होने के बाद तो फिर लाइन पर आ जाएगी ना गाड़ी, नहीं तो क्या होता है, एक बार यदि कम ही नहीं होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो जिनको भी वजन कम करना है ये संकल्प ले लो, ये मैंने मोटापा के लिए बता दिया आपको, जबरदस्त। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है एक बार मैं 400-500 मोटे मोटे लोगों को योग ग्राम में भर्ती कर दूं
और उनको एक महीने तक घर ही ना जाने दो और फिर उनको वापस भेजो तो इतनी जबरदस्त ब्रांडिंग हो जाएगी योग की, नेचुरोपैथ की, योग ग्राम की, कि सारे धरती पर करीब 300 करोड़ मोटे लोग हैं, 300 करोड़ हैं। ब्रांडिंग अभी भी है लेकिन फॉलो नहीं करते ना, घर में जाकर के इधर उधर मुंह मार लेते हैं बकरी की तरह, अनुलोम विलोम करो सर। जैसे बकरी होती है ना, उसको आप लेके जाओ कभी इधर कभी उधर, वो हरी हरी घास देखते मुंह मारती है, तो लोगों की आदत पड़ गई है। मैंने देखा कुछ लोग चीनी की फांके मारते हैं, दालों की फांके मार जाते हैं, कभी नमकीन, कभी बिस्किट, कभी ये कभी वो, सुबह से शाम तक मुंह चलता रहता है और फिर ये आदत खराब पड़ जाती है। ये तो अच्छा है यहां योग ग्राम जंगल में बना रखा है, और जो हमारे रसोई वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं, आप कितने ही चीख चिल्ला लो, अरे मुझे पता लगा कुछ लोग तो 500-500 1-1000 रुपया डॉक्टर साहब ऑफर करते हैं एक एक रोटी के लिए। लेकिन वो कार्यक्रम यहां नहीं चलता है, वो 500 रुपए के बदले एक रोटी भी नहीं मिलती आपको। इसके लिए जो हमारा लड़का है ना रसोई का इंचार्ज, वो बड़ा ईमानदार लड़का है, वो आपको जनासी जो डॉक्टर ने लिख दिया उसके अलावा कुछ नहीं देता है। वो डॉक्टर नीरज जी का ट्रेंड किया हुआ है, एक बार उसका अभिनंदन हो जाए। कुछ लोग तो ना ऐसी भीख सी मांगने लगते हैं, अजी थोड़ा सा दे दो जी, बिल्कुल ही जी, बिल्कुल ही मन ही नहीं लग रहा जी यार। योग ग्राम में 2-3 दिन में तो भागने को होते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन शायद पैसे आप लोग पहले ले लेते हो ना। और वापस जब बीच में छोड़ के जाते तो वापस भी नहीं करते, अरे वापस भी नहीं जाने देते। 3 दिन दिक्कत होती है। अच्छा 3 दिन तो ना आते ही सबसे पहला ऊपर से उल्टी कराएंगे, नाक में नकेल डालेंगे नेती वाली, नीचे से एनेमा डालेंगे, आदमी को बौड़ा कर देते आते। आते ही ऊपर से नीचे से आदमी सोचे मेरे साथ हो क्या गया। जो पहली बार आता है वो कहता है गलत जगह फंस गया, ये मेरे ऊपर ये इतने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। फिर 3 दिन के बाद तो टाइमिंग बढ़ाने लग जाते हैं कुछ, तो फिर उस एक्सटेंशन लेने लगते हैं 10-15 दिन का। ये बात है कि 3 दिन बाद जाने का मन नहीं करता, 3 दिन तो नहीं, चारों तरफ मैंने कहा ना वो इलेक्ट्रिक वायर लगा रखे, फिर गार्ड छोड़ रखे, इधर जंगल में जाए तो शेर का खतरा, हाथी का खतरा, इधर जाए तो गार्ड का खतरा, कहां से निकले। ये बहुत बढ़िया लोकेशन चुनी आचार्य भागचंद ने योग ग्राम की। चलो अनुलोम विलोम करते रहो, ये तो छूटना नहीं चाहिए। हाँ बीच में थोड़ा सा हास्यासन हो गया था मोटे भाई बहनों के लिए, जो मैंने उपाय बताए वो पूरा करना। मोटा पाका पूरा सत्यानाश, पूरा खात्मा। अनुलोम विलोम करते रहो, मोटे लोग जब खाना कम कर देते हैं तो फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होकर के उनके शरीर को ताकत देने लगता है। आप ये जो हम उपाय बता रहे हैं इन उपायों के अकॉर्डिंग योग करते हुए आप मोटापा कम करते हैं ना, तो आपको कहीं पर भी एक तो ये नहीं पड़ेंगे जो धारियां पड़ जाती है ना, ऐसे ऐसे झुर्रियां पड़ जाती हैं, चमड़ी लटक जाती है, ये कुछ नहीं होगा, चमड़ी पूरी टाइट रहेगी, माने सुंदर भी बनोगे, स्वस्थ भी बनोगे, मोटापा भी कम होगा, हड्डियां मजबूत होंगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। नहीं तो ये उपाय शादी करके, जैसे आजकल कुछ लड़कियां शादी कराने के चक्कर में कुछ नहीं खाती, चक्कर आकर के गिरती रहती हैं और वो बीमारी हो जाती है, फिर उनके फिर बहुत तरह की उनकी शरीर में समस्याएं हो जाती हैं, उनका मसल्स वीक हो जाता। हार्मलेस वेट लॉस होना चाहिए, इसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। अनुलोम विलोम करते रहिए,
अब ऐसे लोग बीपी का बताते हैं, कितना ही भयंकर बीपी हो लौकी का जूस पियो सुबह शाम, अनुलोम विलोम करो, और खान पान जैसे बताते हैं यहां अंकुरित आदि और सामान्य, पहले ही दिन से बीपी की दवाइयां बंद 99% लोगों की। तरबूज बहुत अच्छा है, तरबूज मोटापा के लिए भी, तरबूज मोटापा के लिए भी और बीपी के लिए भी। डॉक्टर साहब तो उसका तरबूज का कल्प बता रहे हैं, तरबूज ही खाओ, वाटरमेलन लाल लाल, डायबिटीज में कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, एक एक कटोरी खाते हैं, उसमें लो शुगर होता है, स्वीटनर तो होता है उसमें, वो इंजेक्ट वाले तो अब थोड़े बहुत तो कुछ थोड़ा। तरबूज का रस मत पीना। देखो मैं आपको बात बताता हूं, मैं स्वस्थ आदमी हूं, पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मैं तरबूज का जूस पीता हूं तो मुझे गैस बन जाती है, और मैं तरबूज पूरा एक दो ढाई किलो का तरबूज खा जाऊं कोई तकलीफ नहीं होती। तरबूज इसलिए थोड़ी सी चीज चेंज होने से ना उसकी पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, पूरा उसका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। अब जैसे पेठा का जूस पियो वो अच्छा है, अब पेठा आप खा नहीं सकते, पेठा का जूस पियो, लौकी के जूस की तरह वो भी लाभकारी है, ब्लड प्रेशर में भी, मूत्र रोगों में भी, और मोटापा में भी, हार्ट की प्रॉब्लम में भी, एसिडिटी में भी, यूरिक एसिड को कम करने के लिए जो पेठे का जूस या आगरे का पेठा ना, एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पेठा खरीदा और उसको कूट कूट के जूस निकाल रहा पेठे की मिठाई खरीद ली डॉक्टर साहब ने बताया था पेठे का जूस पियो लोग भी कई विचित्र विचित्र प्राणी है तो पेठे का जूस मतलब वो पेठा गोल गोल होता है, वो मिलता है कुमड़ा 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 भी बोलते हैं, बोलते हैं कहीं कहीं कुमड़ा, जो व्हाइट गोट बोलते हैं, एस गोट बोलते हैं, जो भी बोले कुमड़ा बोले पेठा, समझ गए ना, सब समझना चाहिए। मिठाई वाले से ले लेना, लेकिन मिठाई वाले से मिठाई मत लेना, क्योंकि सब जगह आम सब्जी मंडी में बिकता नहीं है, वो ही खरीद ले जाते मिठाई वाले ही। मिलता आजकल क्या करते हैं लोग, कोड़ा कोड़ा अलग है, मिठाई वाला पेठा मिलने लग गया दिल्ली में, मिलने लग गया होगा, मिलता है ना, ठीक है चलो करो अनुलोम विलोम करो अनुलोम विलोम करते रहो तो। कुछ ना लोग इतने विचित्र विचित्र होते हैं, बात को सुन मतलब सुनते भी हैं तो पता नहीं किस तरह से सुनते और क्या करते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है आज से करीब 6-7 साल पहले एक मेरठ के आदमी का फोन आया, मेरा दे दिया फोन, फिर किसी ने मेरे से बात करवाई, बोले स्वामी जी 1 साल हो गए दवाई खाते खाते बच्चे नहीं हुए। मैंने कहा क्या किया, जो हमने लेडीज के लिए दवाई बताई ना शिवलिंग और पुत्र जी वो खाता रहा वो लेडीज के लिए बताई थी वो आदमी खा रहा बोले बाबा जी बच्चा नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ तो ठीक है ऐसे ऐसे काम करते हैं लोग। एक आदमी ने स्वासारी क्वाथ आचार्य जी के पास आया, बोले आचार्य जी आपका एक काढ़ा बड़ा जबरदस्त है लेकिन पीना बड़ा कठिन है। स्वासारी क्वाथ कैसे पिया, स्वासारी को उबाला, पानी फेंक दिया और काढ़े को निकल रहा बोले उसको
बड़ा कठिन है दवाई को तो ये उल्टे उल्टे काम मत किया करो है? चलो अनुलोम विलोम कर लो है। तो मैं ब्लड प्रेशर के लिए बता रहा था, लौकी का जूस, पेठे का जूस और ये वाटरमेलन खाना, मोटापा के लिए भी सेम है ये सारी चीजें, मोटापा और ब्लड प्रेशर। अद्भुत, अनुलोम विलोम करते रहो करते रहो। अब जैसे कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ग्लूकोमा, अपनी दृष्टि आई ड्रॉप डालो और आंवले के रसायन सप्तामृत लो, मुक्ता सुक्ति भाषी, नहीं तो खाली आंवले का ही सेवन करो, आंवले की चटनी बना के खा सकते हैं। अभी तो आंवला मिल रहा है, मार्च तक तो मिलता है, बाद में आंवले का चूर्ण, आंवले का रस, आंवले के रसायन क्या होता है, आंवले के चूर्ण में आंवले के रस की 21 भावना दे देते हैं, तो आंवले के रसायन बहुत ज्यादा गुणकारी हो जाता है। तो आंवले का चूर्ण, आंवले के रसायन का सेवन करो और दृष्टि हाइड्रोप डालो और अनुलोम विलोम लगातार करो, कैटरेक भी दूर हो जाता है, कैटरेक, ग्लूकोमा। हाँ वही वही दृष्टि हाइड्रोप जबरदस्त। इधर आ जाओ, अनुलोम विलोम करते रहो आप लोग। मैं पिछले साल वाशिंगटन में था तो वहां मेरा लेक्चर हो रहा था, एक व्यक्ति मिला मेरे को, वृद्ध से थे, कहने लगे, अनुभव सुनाने लगे सबके सामने कि मैंने दिव्य दृष्टि लगाई और मेरा मोतियाबिंद ठीक हो गया, 100% ठीक हो गया। तो ये जो है अद्भुत जो है, स्वामी जी ने अभी बताया तरबूजे के लिए, तरबूजे हमारा सूत्र है, जो तरबूज जैसे लोग हैं तरबूजा खाएं, लौकी और ककड़ी जैसे पतले हो जाएंगे। और रखो रखो, अभी बीच बीच में आप भी आहुति लगाते रहना ये उधर से बैठे बैठे मैंने कहा दूर पड़ गए थे, नजदीक आ जाओ, अनुलोम विलोम करते रहो। देखो अभी मैं बता रहा हूं, कैटरेक के लिए बताया, कैटरेक, ग्लूकोमा, जो भी आंखों की जो भी समस्या है। लेकिन देखो एक देख दो सावधानी भी रखा करो, डॉक्टर साहब आप लोग भी, सलील जी आप भी और डॉक्टर साहब भी बैठे हुए, जिनको एपिलेप्सी के दौरों पड़ते हैं उनको ये मत कराया करो, कईयों को दौरे पड़ जाते हैं जल नीति सूत्र नीति से। और दूसरी बात, जिनको कैटरेक की प्रॉब्लम होती है, खासकर ग्लूकोमा की काला मोतिया की समस्या होती है, उनको भी कुंजर मत कराया करो, उससे प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे आज ही अपने भाई सुधांशु जी का बढ़ गया है, तो मैंने उनको बोला भी दृष्टि डालो और आराम करो, शायद अभी वो कमरे में आराम ही कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ जाता है थोड़ा, उससे थोड़ा इसका सावधानी रखना। अभी अगली बात, कोलाइटिस, इतनी भयंकर बीमारी है, इसके लिए तो सबसे अच्छी चीज है, तीन चीजें परमानेंट बंद कर दो, घी, दूध और कोई भी आर्टिफिशियल मीठा, ये तीन तो परमानेंट बंद कर दो। और कपालभाति तो करो, मैं तो पुराने पुराने, इनका सबसे पुराना रोगी हमारे पास है अजारी जी, जब आप महावीर जी में थे ना, जी जी जी, ये सबसे पहले हमको महावीर जी में मिले थे, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए इनको, ये भी एक जो है एक विशेष व्यक्तित्व है। तो वहां इनके पास वो इलाज के लिए गए थे उस समय, उनको इतना भयंकर कोलाइटिस, और कोलाइटिस का रोगी ना आंखों में आंसू बड़ी तड़पता रहता है, बहुत बुरी हालत है, शरीर भी बेकार हो जाता है, टूट जाता है, जो भी खाते हैं हजम नहीं होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर रहती है, पूरा शरीर बेकार हो जाता है, मन खुश नहीं रहता है। कपाल भाती और इसमें सामान्य मुनक्का जीरा आदि तो डॉक्टर साहब बताते हैं ठीक ही है, सबसे इसमें अच्छा है छाछ का प्रयोग, और छाछ गाय के दूध की होनी चाहिए, नहीं तो बकरी के दूध की होनी चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब तो आजकल सोया की भी देते हैं ना, सोयाबीन की छाछ, हाँ वो भी देते हैं,
तक्रकल्प करवाते हैं, अनुलोम विलोम करते रहो। डॉक्टर साहब आप तक्रकल्प के बारे में बताओ, अनुलोम विलोम मैं करता हूं, करो आप लोग मेरे साथ साथ। ये तक्रकल्प, मठाकल्प, छाछकल्प, रोगी को हम सिर्फ उसी पर रखते हैं। इसका विधान होता है कम से कम 45 दिन का। पहले हम 3 दिन का उपवास कराते हैं और फिर उसके बाद 3 दिन का उपवास में क्या देते हो? नींबू, नींबू और पानी, नींबू पानी, नींबू और उसमें शहद, नींबू पानी शहद। और फिर उसके बाद करीब 1.25 किलो दूध का आपके दही जमा करके फिर उसे मठा बनाते हैं। और मठा बना करके कितना पानी डालते हैं उसमें स्वामी जी? यानी 100 ग्राम में करीब 100 मिलीलीटर में आपके 50 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर पानी डाल करके दुगना पानी डाल। जी हाँ, तो छाछ होगी पतली, पतली हो जाती है। तो ये जिनका पेट बहुत खराब रहता है उनके लिए। और कुछ लोगों को तो सिर्फ हम पानी भी नहीं डालते हैं, सिर्फ मठा कल्प कराते हैं और उसमें हर एक एक घंटे के अंतर से देते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा उसको जो है 1.25 लीटर जो दूध है, दूध का जो दही है या छाछ है उसको बनाया, फिर 1 लीटर का करते हैं, फिर 1.25 लीटर, फिर 1.5 लीटर, रोगी की सहन शक्ति के अनुसार सामर्थ्य बढ़ाते जाते हैं उसके सामर्थ्य के अनुसार, फिर 2 लीटर। और इस क्रम से यदि पेशेंट की हाइट जितनी है, 5 फीट का व्यक्ति है, 5 फीट 6 इंच का व्यक्ति है, तो उसे 5 लीटर तक जो है दूध का जो है छाछ या दही जो है पिलाते हैं। 5.5 लीटर दूध और छाछ है उसका, दूध या तक्रकल्प जिसको हम कहते हैं उसे जो है कराते हैं, वो डाइजेस्ट होने लगता है। फिर उसके बाद उसको 15-20 दिन तक इसी प्रकार से हम रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको जो है कम करते जाते हैं, उतारते जाते हैं, और धीरे धीरे फिर जो उसके खान पान का जो है, इससे रोगी का वजन भी बढ़ जाता है और उससे काफी पेट संबंधी बीमारियों में बहुत लाभ मिलता है, खास करके आव संग्रहणी कोलाइटिस, ये इसमें तो बहुत जबरदस्त लाभ करता। और इसमें फिर दूसरा बहुत अच्छा होता है अनार। अनार की तो बहुत महिमा, पेट के रोगों के लिए तो रामबाण औषध है। और ये मेरा हजारों रोगों पर किया हुआ प्रयोग है, कोलाइटिस के लिए इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं, साथ में ही हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। बताना डॉक्टर साहब, अनार का अनार चबा चबा के खाओ सबसे अच्छा तो वो है, उसमें फाइबर्स भी चला जाता है और वो बहुत देर लगेगी उसको लेकिन चबाने में। और अनार में जो, यदि किसी को फाइबर से दिक्कत है ज्यादा से, तो थोड़ा उसको चबा लो और जितना अधिकतम हो सके महीन फाइबर तो चला ही जाएगा, फिर थोड़ा जो मोटा है उसको आप थूक सकते हैं, उसका जो मोटा फाइबर है